अबे इतना पैसा कहाँ ले जाएगा? थोड़ा दूसरों के लिए भी छोड़ दे। टेटवे। अबे ओए मेरे दोस्त मेहमान, एक बार रुक तू अभी यार। अबे ओ मेहमान। अरे सुन यार, कहाँ से रास्ता भूल गया तेरा? तू बैठ चल। अरे मेरी भी तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है टीटू। अबे यार क्या तू ये टीटू है टीटू, क्या तू सीधा सीधा टीटू बोल दे, क्योंकि जब तू ये टीटू है बोलता है ना तो अजीब सी फीलिंग आती है। वैसे अगर तू अपने घर का बिल गेट्स है तो मैं भी तुझसे कम नहीं हूँ। मैं पड़ोसी मुल्क में गधे सप्लाई करता हूँ और करोड़ों रुपये कमाता हूँ टीटू। अबे तो कभी खुद भी सप्लाई हो जा, तू कौन सा कम है? अबे बंटी यार, दोस्त आया, बढ़िया छोले भटूरे लगवा एकदम गरमा गरम। नहीं टीटू नहीं, मैं ये घटिया तेल का छोला भटूरा नहीं खाऊंगा टीटू। अबे सन ऊपर देख, जल्दी राम, समझ रहा है तू? जल्दी राम के छोले भटूरे बेटा पूरी दिल्ली में फेमस है, लैंडमार्क है ये दिल्ली का। वैसे मेरे पास भी बहुत डॉलर्स है। मेरे पास भी बहुत पैसा है। अरे वैसे महपाल एक बार बता, तू कम से कम 500 करोड़ का आदमी तो होगा है? थोड़ा ज्यादा, 700 करोड़। 700 करोड़, हमारे खुजे में तो चिराग लेकर ढूंढने से भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा, नॉट इवन लैम सर्चिंग मैन। कैसी बातें कर रही है झल्लू, हैं? अबे जाने ना तू मुझे, तो छोटे मोटे आदमी ना हूँ मैं? हाँ छोटे नहीं हो, मोटे हो। मतलब अबे हम लोग भी बहुत बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं है? हाँ सर, साइज में बड़े हो तुम, एंड साइज मैटर्स। देख भी ऐसा यार, तू तो मेरी इंसल्ट कर रही है, मतलब हर्ट कर रही है तू मुझे यार। नहीं बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, यू आर गुड फॉर नथिंग, आइडल वेस्टर, टाइम पास। हैं? हाँ इट्स ओके। हाँ वैसे ये बता, तेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है? कुछ ज्यादा नहीं महपाल, कुछ यही होगी 800 करोड़। झूठ बोल रहा है, बात कर रहा है? लायो लायो पैंट्स ऑन फायर। पापा महपाल। बेटे महपाल, तेरा ये हाल किसने किया है? पापा महपाल, मैं दिलदार दादन पे दोल दप्पे ताला था, दीख ललती ने मुझे माला। उस कमीने की ये हिम्मत, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसके गुर्दे तोड़ दूंगा, उसके खानदान को बर्बाद कर दूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चल बेटा महपाल। चल बाबा महपाल। बाय टेटुए। रिच मैन गॉन। चलो रिच पानी भरो। धीरे 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 संभाल के आ जा, वहां बैठ जा। चल ओए। ओए ओए, कितना भारी यार तू। क्या बात है भाई, अबे तू तो ऐसे चहक रही है जैसे कोई तमगे जीत के लौट रही हूं मैं। तमगे लगे तो हैं तुम्हारे थोबड़े में, देखो। ए गुल्लू जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ। इनके ना तो फर्स्ट एड है, ना सेकंड एड है, ना थर्ड एड है, एक नल्ला डेड है। घर में हल्दी है या उसका भी अकाल पड़ गया है? हर चीज का अकाल है इनके घर में। बेटे उल्टे हाथ का खाएगा थोबड़ा पल्ले को हो जाएगा। झूठ बोल लिया है, हमारी रसोई में कनिस्टर भर भर के हल्दी रखी है। वाव, तो बोलो ना इससे हल्दी वाला दूध लेकर आए, तब तक मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। क्योंकि हम अमीर है, हमारे यहाँ सब कुछ अवेलेबल रहता है। तो इतने अमीर हो तो हल्दी और दूध भी लेती आना फिर। और तुझे क्या मैंने मोबाइल पे गेमिंग करने के लिए रखा है? निकल निकल ना। जा रहा हूँ ना मैं जा रहा हूँ ना, ये बात बात पे हाथ पैर मत छोड़े करो, पहले ही अंदर से मैं टूटा हुआ हूँ मैं बहुत ज्यादा। सॉरी क्या? Thank you.
माय लल्ली, हाँ? कहाँ गो? अरे क्या हुआ? मेरी बच्ची, तुझे फर्स्ट एड बॉक्स क्यों चाहिए? तुझे कहाँ चोट लग गई? एक 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 मिनट, मुझे कहीं चोट नहीं लगी है। एक मिनट रोना बंद करो यार। एक मुझे चोट नहीं लगी, देखो देखो ठीक हूँ। अरे तो फिर काय चाहिए तुझे फर्स्ट एड बॉक्स? अरे यार वो जीजा को ना दो चार लड़कों ने मिलके ना तबीयत से कूट दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। पापा वो लड़के मुझे छेड़ रहे थे। ओहो, फिर तो बहुत बुरा हुआ। यस, एक बार बता कौन सी जगह थी जहाँ छेड़ रहे थे? अरे दिलशाद गार्डन के पास। दिलशाद? हे राहु महाराज, मेरा दोस्त जो सुबह मुझसे मिलने आया था, कहीं इस जीजा जी ने उसके बेटे रॉकी को तो नहीं कूट दिया? उस घायल वकील की बद्दुआ लगी है मुझे। पापा मम्मी को पता चलेगा तो अलग रायता फैलाएंगे। खाली का क्यों आई है? फर्स्ट एड बॉक्स लेने गई थी ना? एक बात बता। yeah. तूने उन लड़कों को कितने पैसे दिए थे? लड़कों को क्यों पैसे देने लगा मैं? ये नाटक करने के लिए। तुझे नाटक लग रही है? हैं? क्यों करूंगा नाटक मैं? क्योंकि तू मुझ पे इम्प्रेशन जमाना चाहता है। हाँ, तू तो बड़ी प्रिंसेस ऑफ पटियाला है, तुझे इम्प्रेस करने के लिए बड़ी जान निकली जा रही है। हाँ? क्योंकि इसमें भी तो तेरी कोई चाल होगी ना? सही कहते हैं, नेकी कर दलिया में डाल। हम बाकी छाती में बैठ के ना माँ को खून पी जाएंगे। कित है वो लफंगे? तू अगर छाती पे बैठेगी तो लफंगन को तो खून ही सूख जाएगा, फिर तू क्या पिएगी? प्यासी रह जाएगी। अरे उते हमारी लल्ली के संगे हादसा हैगा, इतने तुम्हें मस्ती सूझ रही हैगी। अरे टेंशन मत लो ना मम्मी, जीजा तो पिटाई लेकिन उसके साथ साथ ना उसने सारे लड़कों को ना ऐसा जम के कूट दिया। वाह भाई, लड़के ने सराहनीय काम किया। हाँ, तो अपनी सारी प्रॉपर्टी लिख दो बाकी नाम। हाँ? तू इतना म्यान से बाहर क्यों आ रही है ये बता? लड़के ने इतना अच्छा काम किया है, हमारी बच्ची की जान बचाई, उतने इज्जत बचाई हमारी बेटी की। अरे हम डकैतन के खानदान से हैंगे, बाकी सारी चालाकी हम समझते हैंगे। पहले तो जे तुम्हारे करीब आंगे फिर एहसान के बोरे नीचे इतने दबा देंगे कि तुम टस से मस ना हो पाओगे। फिर एहसान को नाम ले करके तुमसे जे सारी प्रॉपर्टी साइन करवाएंगे। पांगे? सीरियसली कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही हैं आप मम्मी? अरे तो कुछ नहीं समझती, तू अभी बच्ची हैगी। मैं बच्ची नहीं हूँ। आप वो ढूंढो फर्स्ट एड जाके, यार वो बेचारा तड़प रहा है दर्द में। जाओ ना। जा। एक तो अच्छा ही करो, मुझे रिटर्न में आज ये मिल रहा है। और तू हमसे रिटर्न लेके आ जाता है? मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू क्या चाहता है। वैसे कौन सी चाहत हो गई मेरी? तू ये हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है ना? फिर वही बात। देख सीपी, कान खोल करके ये बात दिमाग में घुसा ले। ये हवेली मेरी है और इसे पाने के लिए मुझे कोई नाटक करने की जरूरत नहीं। अबे ओ, तेरे पुरखे भी आ जाए ना तब भी हवेली तेरी नहीं हो सकती है, समझा तू? कमाल यार, नेकी करना आउट ऑफ फैशन चला गया क्या आजकल? अरे मम्मी और कितना टाइम लगेगा ढूंढने में फर्स्ट एड? यार बहुत दर्द में करा रहा था वो। अरे कोई बात नहीं बेटा, नौना जवान है अभी। हाँ फिर भी जे ले मिल गाओ। एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, बेटा दो मिनट दो ले बेटा, राहु काल चल रहा है, बस थोड़ा सा इंतजार कर। गोली मारो अपने राहु काल को, बेचारा दर्द में तड़प रहा है वहाँ पे, आपको राहु काल की पड़ी? What is this behavior यार पापा? एक बार रुक तो बेटा, बेटा सुन तो, अरे रुक तो, अरे यार चली गई जगह एकदम, निकल गई। आ जा फर्स्ट एड कर दूं तेरा, आ जा उठ। मेरे माइंड के साथ खेलने की कोशिश कर रही है क्या? बंद करिए ड्रामा। मैंने कौन सा ड्रामा कर दिया? कौन सा ड्रामा कर दिया? तेरी वजह से मैं इतना बुरी तरह कुट के आया हूँ, हैं?
और तू मुझसे कह रही है कि प्रॉपर्टी के लिए मैंने नाटक किया है? ए? मैंने कब कहा यार ये सब? अरे अभी तो कह गई थी तू। अरे कब कह रही थी? अरे यार तेरी याददाश्त है कि मिर्ची लाइट। मैं 2 मिनट पहले की बात भूल गई तू? अबे वो घन चक्कर 2 मिनट पहले ना मैं अंदर थी। क्या बोल रहा है यार? अंदर थी तो बाहर भी तो आई। अरे वो तो अब भी आई हूँ ना। क्या सिवी तो अपना इलाज करा सिवी, तेरे चक्कर में मेरा माइंड मिस्टेक कर जाएगा किसी दिन। तुझे वो गजनी फिल्म की शॉर्ट टाइम मेमोरी लेस तो नहीं हो गई तू कहीं? इतना पिटने के बाद ना तुझे हर जगह सिर्फ मैं देख रही हूँ। यू आर ऑब्सेस्ड विद मी, यू आर सो फनी। हल्दी दूध दोनों खत्म। दे बस चल, मैं कनेक्शन ढूंढ के देता हूँ तुझे। अरे ठीक है, दवाई तो लगवा ले। ए गल्लू पकड़। नहीं मुझे नहीं लगवाना दवाई तुझसे। उठ उतर। मुझे नहीं लगवानी तुझसे दवाई। चुप करेगा तू? एक्सपायरी डेट दिखा। तू एक्सपायर हो जाएगा तो दवाई नहीं लगवाएगा। चुप कर दिखा। डरा क्यों रहा है? चल रहा है थोड़ा सा, चोट लगी तो जलेगा ही ना। तूने पापा को बोल दिया क्या? हाँ तो इतनी पूछताछ कर रही थी, हल्दी दूध किसके लिए ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, तो क्या बोलूंगा मैं? बोल दिया तुम्हारा लौंडा नीचे फटा पड़ा है। मैं चलता हूँ, पापा मोहल्ला सर्वे उठा लेंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू। आराम से चल बेटे। बेटे चल। धीरे चल गुल्लू। क्या जरूरत थी हीरो बनने की? अरे मैं हीरो बन नहीं रहा था। उड़वा ली ना हड्डी पसली, कितनी बार बना किया है, और दूसरों की फटे में टांग मत उड़ाए करो। चुप हो जा बिल्लू। जीजा। हाँ मम्मी। जीजा क्या हुआ जीजा? हाँ What happened my golden child? लोंडे लोंडे हुआ क्या ये? अबे किसी ने धर के सूता है? नहीं अबे किसने सूता है मेरे लोंडे को? नाम तो बता। अबे उसी गुत्ती बैठ के हाथी मार के उसी पसली तोड़ दूंगा बता। अरे वो तो नहीं सामने वाला? नहीं नहीं। तो फिर किसकी हिम्मत हुई आज तक हमारे खुर्जे में किसी की हिम्मत ना हुई? अरे जल्दी सांस तो ले ले बेटे, जरा बताइए क्या हुआ? अरे मम्मी वो इसे कुछ गुंडे छेड़ रहे थे तो मारपीट हो गई। इसे छेड़ लिया थे? मुझे छेड़ के किसी को क्या मिल जाएगा? सही बात है। इससे नहीं पापा, वो कनॉट प्लेस को। सीपी को गुंडों ने छेड़ा? हाँ मम्मी, लेकिन घबराओ मत, मैंने उनकी अच्छी सर्विसिंग कर दी है, वो कभी किसी लड़की को आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। तो तुम्हारी भी तो डेंटिंग पेंटिंग हुई है ना अच्छे से? अबे तो क्या हुआ, ये तो जंग है, जंग में जवान चार मारते भी हैं तो दुखाते भी हैं। खाली मेरे लोंडे ने। शाबाश मेरे लोंडे, आज मुझे तुझ पे घमंड है। बहुत अच्छा काम किया तुमने, अबला की इज्जत बचाई। हाँ यू सेव सैड गर्ल नॉटी। हाँ भाई रन्ने, तुझे पता भी है क्या चल रहा है? हमारे जीजा ने आपकी सीपी को बचाया है। नमस्कार भाभी जी। हाउ आर यू? आपकी दुआ। अबे दुआ गई हुआ खेत में, चल पार्टी दे। अबे सुन, तेरे लौंडे ने जिस लौंडे को पीटा है ना, उसका नाम महपाल जूनियर है और वो महपालपुर के विधायक महपाल सीनियर का लौंडा है। और महपाल सीनियर मेरा दोस्त है और उसके पिताजी महपाल
मेरे पिताजी के दोस्त थे। इतने सारे महिपाल? जी भाभी जी, अब सारे महिपाल आपके लौंडे के पीछे पड़े हुए हैं। क्या बात कर रही हो टीटू अंकल? तुम तो गई। अरे चुप रे। हाँ, क्या बोल रहे? मैं ये कह रहा था कि महपाल से महपाल की हालत देखी नहीं गई, तो महपाल ने महपालपुर के जितने महपाल थे उन सबको बुला लिया। अब सारे महपाल तेरे लौंडे के पीछे पड़े हुए हैं। कोई तो बचाओ। देखिए, आपके लौंडे को अब सिर्फ महपाल से मैं ही बचा सकता हूँ। अच्छा, तू बचा ली भैये मुफ्त में? नहीं, मैं भेजे चल पास ही भेजियो। दे दूँगी। अबे भिखारी समझा तूने? कल रात कैसे तूने मुझे अनारकली बना के नचाया था? तो चाचा जी, आप भी पापा को नचवा लीजिए, हिसाब बराबर करिए ना। किसी बात नहीं कर रहा, लौंडी के मरवाया क्या कर रहा तू यार? हाँ तो सही तो कह रहा है लौंडा, अपने लड़के के लिए दो चार ठुमके ना लगा सकते? अबे सर मार के तेरे नाक का नाला बहा दूंगा, बता रहा हूँ मैं। बे ओए सुन, अगर तू नहीं नाचा ना तो मैं तेरे लौंडे को महपालपुर वाले महपाल के लौंडे महपाल के हवाले कर दूंगा। नहीं, मैं नाचूंगी, जब तक है जान मैं नाचूंगी। भाभी जी आप नहीं नाचूंगी? नहीं मैं नाचूंगी। नाचेगा तो सिर्फ ये मैं। हाँ तू। पापा तुम तो कह रही थे कि तुम कलाकार हो, नाच लो ना पापा। बेटे तू तो जाने, मेरी कमर ना मटके ना है। अभी तो ट्राई तो कर सकते हो ना, अपने बेटे के लिए कमर नहीं मटका सकते ना, ट्विस्टिंग वेस्ट। ये कमर थोड़ी है, ये तो मियादी बबूल के पेड़ के तने हैं। अबे तुझे ना मैं फोड़ दूंगा। अगर तू नहीं नाचा ना तो मैं अभी महपाल को बुलाता हूँ, बता। नहीं नहीं, मैं नाच रहा, मैं सोच रहा मैं कौन से गाने पे नाचूं। तो उस गाने पे नाच देना, स्कूल वाला चड्डी पहन। ना ना बच्चे पे मत बड़े, टेंशन मत दे, अच्छा लगेगा। चल चल चलो। ये बे भैया दे दूंगा तेरी खटारा, ककार तेरी स्त्री से सोनी की कार तेरी। अबे दुर्घटना हो गई मेरे साथ, अंजर पंजर ढीले हो गए मेरे, खुद को रिपेयर करने की जरूरत है मुझे, मैं गाड़ी कैसे रिपेयर करूं ऐसे में? अच्छा ठीक होते ही देता हूँ, ठीक है? हेलो हेलो, बंदा स्वर्ग सिधार जाए लेकिन की गाड़ी टाइम पे लेके जाए। क्या ये ग्लास में हल्दी वाला दूध पी ले, जितनी हड्डियां चटके ना मार खा के सब ठीक हो जाएगा। नहीं मैं दूध नहीं पीता। अबे ओए, अपने हाथों से बना के लेके आई हूँ, पहली बार किसी बंदे के लिए ना मैंने अपने हाथों से हल्दी वाला दूध बनाया, तो बेटा ये दूध तो जमीना पड़ेगा। पी। तो हाथों से बना तो जान दे दूं, लैक्टोज इंटॉलरेंस हूं मैं। सब पे है माय गॉड, दूध तुझे पीना पड़ेगा, दैट्स फाइनल, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अब ये इससे ज्यादा क्या टूटेगा ये मुंह? सीधा सीधा दूध पी। नहीं मैं नहीं पीऊंगा। तेरे फरिश्ते भी पीएंगे, रुक जा। राम से यम्मी ना। कैसी दुष्ट है रे तू, तेरा पति दूध क्या सुरेगा? थैंक गॉड मैं तेरा पति नहीं हूं। तू मेरा अगर पति होता ना तो मैं तेरा खून कर देती। ऐसे कैसे खून हो जाएगा, कानून है हमारे देश में। डर गया बच्चा। तेरी जिंदगी में आने वाली मोहब्बत का सर को चल दूंगी मैं, और मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। पता नहीं कौन चीचिया। अरे
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.